मैं विश्वम्बर सेनापति हिंदी शिक्षक एमपी हाई स्कूल मुस्कुटी आप सबको नरला ब्लॉक शिक्षा संयोग ग्रुप में स्वागत है। आज हम नौवीं कक्षा के हिंदी मंजरी की पहली कविता दोहे पढ़ेंगे और इस दोहे कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देता हूँ। कबीरदास का जन्म सन 1318 में काशी में हुआ था। एक हिंदू परिवार में जन्म हुए थे लेकिन उनकी परवरिश एक मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए उनको हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। उन्हें किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला। वे सभी धर्मों को समान मानते थे। जाति भेद धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी आडंबर को विरोध करते थे। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मगधी भाषा, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी और पंजाबी आदि का मेल है। तो दोहे पहले देखेंगे। देखिए आप सब किताब आपके पास होगा, किताब खोलिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, तरुवर्थे फल झड़ी पड़या बहुरी न लागे डार। अर्थात संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना चाहिए। इस क्षणभंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े सो बार, दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरार। इसका अर्थ क्या है? सज्जन और साधु जन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं। कुम्हार के घड़े क्या है? हम कलश जो पानी लेते हैं घड़े में, घड़ा एक बार टूट जाएगा तो हम क्या उसको जोड़ सकते हैं और फिर से पानी ले सकते हैं क्या? नहीं तो ले सकते हैं। लेकिन सोना टूट जाने के बाद भी, बार बार टूटने के बाद भी वह बार बार जोड़ सकता है। साधु जन भी बार बार उसका चरित्र बदल सकता है लेकिन दुर्जन का कभी भी नहीं बदलता, जिस प्रकार कुम्हार का कुंभ। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं और दुर्जन वो मित्रता से अलग रहना चाहते हैं। वे जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। तो मैं कुछ सवाल दिया हूँ, उस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आप सब सवाल का जवाब जरूर भेजेंगे।